Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing another figure of speech, that is pathetic fallacy. So pathetic means emotion and fallacy means fake. So when an author or a writer or a poet add fake emotions into his or her work, that is called as pathetic fallacy. So in this, author attributes human emotions and human traits to inanimate objects. यानी इसमें क्या होता है, ही author जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है ह्यूमन इमोशंस या फिर ह्यूमन ट्रेट्स देकर एसोशिएट करते हैं. मैं फिर से बताना चाहूँगी कि पैथेटिक फैलेसी में क्या होता है, author जो है या फिर कोई भी writer जो है inanimate objects यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को किसी ह्यूमन इमोशंस या फिर ह्यूमन ट्रेट्स के साथ एसोशिएट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी. थिंग्स विच डू नॉट हैव फीलिंग्स बट यू ट्राई टू गिव देम फीलिंग्स, वो चीज़ें जिनके अंदर फीलिंग नहीं होती बट तुम एज अ राइटर या फिर एज अ ऑथर या फिर एज अ पोएट तुम उन्हें फीलिंग्स दे देते हो जिनके अंदर फीलिंग नहीं होती. सो उसे बोला जाता है पैथेटिक फैलेसी. देन स्माइलिंग स्काइज, कभी स्काई को स्माइल करते देखा है बट हमने मतलब रियलिटी में नहीं देखा बट हम ऐसे बोलते हैं स्माइलिंग स्काइज. सोवर क्लाउड्स, एंग्री स्टॉर्म, बिटर विंटर. सो ये सारी क्या है, हमने जो है क्लाउड्स नॉन मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जिसे हमने सोवर के साथ एसोशिएट कर दिया. स्काई इनएनिमेट है जिसे हमने स्माइल मतलब ह्यूमन की क्वालिटी दे दी और कह दिया स्माइलिंग स्काइज. सोबर क्लाउड्स, एंग्री स्टॉर्म, बिटर विंटर. पैथेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पैथोस. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि पैथेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है पैथोस यानी फीलिंग्स. पैथेटिक मीन्स फेक इमोशंस. दिस टर्म वॉज कॉइंड बाई, प्लीज़ रिमेंबर दिस कि दिस टर्म वॉज कॉइंड बाई जॉन रस्किन. ही वॉज अ फेमस विक्टोरियन लिटरेरी क्रिटिक ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम, लॉट ऑफ राइटर्स राइटिंग गॉथिक लिटरेचर. कि इस पैथेटिक फैलेसी को, इस टर्म को किसने इवोक किया, उनका नाम था जॉन रस्किन. अगर आप UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ये जितने भी मैं स्लाइड में पॉइंट्स मैंशन करती हूँ सारे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लिख लिया करो. सो दिस टर्म वॉज कॉइंड बाई जॉन रस्किन, पैथेटिक फैलेसी. देन इम्प्लॉइंग पैथेटिक फैलेसी इन ऑर्डर टू गिव डीपर मीनिंग. कि कोई राइटर या फिर कोई पोएट या फिर कोई ऑथर कि किसी मतलब वर्क के अंदर पैथेटिक फैलेसी का यूज़ इसलिए करता है ताकि वो जो है मतलब डीपर मीनिंग दे सके अपने काम को जो है, यानी अपने आइडिया को डीपर मीनिंग दे सके, मतलब डीपर मीनिंग टू द करेक्टर. कि मतलब किसी करेक्टर को डीप मीनिंग दे सके. ऑफ लेडी मैकबेथ, इम्प्लॉइंग पैथेटिक फैलेसी इन ऑर्डर टू गिव डीपर मीनिंग टू द करेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ. विलियम वर्ड्सवर्थ, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड. कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, पोएम्स में से ली गई लाइन है, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड. कि मैं जिस तरह क्लाउड जो है लोनली रहकर वंडर करते हैं, मतलब बादल जो है एक जगह से ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उस तरह मैं भी जो है अकेला वॉन्डर कर रहा हूँ. सो फील्ड ऑफ डेफ, ये जो क्लाउड की तरह मैं अपने आप को एसोशिएट कर रही हूँ, सो ये भी जो है मतलब क्लाउड को जो है मैं ये इनएनिमेट है बट मैं इसे एज अ ह्यूमन क्वालिटी दे रही हूँ. सो उसे ही पैथेटिक फैलेसी बोला जाता है. I wandered lonely as a cloud, field of daffodils in order to describe his own mental state. Human attribute is employed to cloud. Please remember this. Then, author uses pathetic fallacy to attack human emotions to nature. कि author अपने work में pathetic fallacy का इसलिए use करता है ताकि वो human के emotions को attack कर सके. Then you desire a character or the mood of character and simultaneously give a description of the nature. कि मतलब when you associate some natural things with the character of the novel or the poem. कि कहने का मतलब ये है कि आप जो है किसी novel या फिर किसी poem में जो है character को किसी natural thing के साथ associate करते हो.
सो इससे क्या होता है, करेक्टर के बारे में डीपर रियलिटीज़ को जो है रीडर्स के सामने पोर्ट्रे किया जाता है। हम जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन इमोशंस दे देते हैं इसके थ्रू। देन इसी के साथ फ्रेंड्स मेरा ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स मैंने सारे ही फिगर ऑफ स्पीच अपलोड कर दिए हैं और कुछ रह गए हैं वो मैं कर दूंगी धीरे धीरे। सो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मैंने क्रोनोलॉजी वाइज अपलोड कर दिए हैं तो आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।